26 अगस्त 2022 को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। मकसद सिंध से लेकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में लाखों बेयार और मददगार सैलाब मुतासरीन की मदद। ग्रुप का बनना था कि हर तरफ से मसाइल और ज़रूरियात की निशानदेही शुरू होती है। खुराक, साफ पानी, खेमे, मच्छरदानियाँ, अद्वियात, लोग अपने अपने इलाकों के ज़मीनी हकायक को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी मांग दरख्वास्त ग्रुप में भेजते जाते हैं और देखते ही देखते हर तरफ से इमदाद आनी शुरू हो जाती है। ग्रुप बढ़ता जाता है, 10 से 20, 30, 40 और अब तकरीबन 50 अफराद इस ग्रुप का हिस्सा हैं। हर शख्स, मर्द या खातून, हर मुमकिन तरीके से भरपूर मदद कर रहे हैं। तशहीर और सत्ताईश से बेनियाज इस ग्रुप को बनाने वाले और इसके रूह रवा मुमताज़ सहाफ़ी आमिर मतीन हैं, जिन्होंने बर वक्त एक ऐसा अमली कदम उठाया जिससे लाखों लोग फैजियाब हो रहे हैं। बहुत से सहाफ़ी भी इस इकाई से जुड़ चुके हैं। कलम, आवाज़ और अमल के ज़रिए इस बदतरीन कुदरती आफत में लोगों की मदद कर रहे हैं। नसीम ज़हरा अव्वल रोज से मुस्तकिल इमदादी कामों के साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी लोगों को हालात की संगीनी से आगाह कर रही हैं। हामिद मीर ने सैलाब ज़दा इलाकों से बेशुमार प्रोग्राम किए। मेहर बुखारी, आसमा शिराजी और दीगर सहाफ़ी भी पीछे ना रहे। वैसे तो इस ग्रुप में शामिल हर शख्स बिला कर्ज, बिना किसी ज़ाती मफाद की, सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिन रात एक किए हुए है, मगर साबिक ब्यूरोक्रेट सैयद अनवर महमूद साहब के जिक्र के बिना इस ज़बरदस्त व्हाट्सएप ग्रुप की कहानी अधूरी रहेगी। इस पीराना साली में भी नौजवानों को मात कर देने वाली हिम्मत और लगन शायद बहुत ही कम लोगों में पाई जाती हो। इधर कोई मदद की आवाज़ आई नहीं और इधर अनवर साहब का मजबूत जवाब पहुंचा। और यही वो जज्बा है जो हमें बावर कराता है कि कुछ कर गुजरने के लिए बाकायदा बाजाबता तकाजों को परे रख के महज एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए बड़ी से बड़ी आफत और मुसीबत से मुकम्मल तौर पर ना सही मगर बहुत हद तक निपटा जा सकता है। इस सुपर ग्रुप की कामयाबियों की मजीद कहानियों के लिए देखते रहिए अक्स डिजिटल स्टूडियो।